ओके, सो दिस वाज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. इट्स वेरी सिंपल. कैपिटल गुड्स यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, आईटीसी अवेलेबल. एग्जेम्प्टेड सप्लाई का आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखेगा भी नहीं, कॉमन वाला दिखेगा, उसको अपने टीसी बोलते हैं. तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 6,200 दिखेगा, उसमें से आउटपुट टैक्स में जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का, जो कॉमन में जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई, क्योंकि कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है दैट इज स्प्रेड ओवर 60 मंथ्स, 5 years into 12 months, तो वी आर डूइंग इट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. तो इस महीने का जो प्रपोर्शन है एग्जेम्प्टेड और टोटल का, उसी प्रपोर्शन में वो एड बैक हो जाएगा. दिस फिगर, नाउ लेट अस डू नंबर 12. Very important. X, a manufacturer of roofing sheets, has total ITC of 1,60,000 available with him on 1st June. Okay. So raw materials used for both taxable and exempted activity. ठीक है. हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑफ अ मैनेजर टोटल टर्नओवर एक्सक्लूसिवली फॉर month of June. कोई भी कॉम्पोजिट से परचेज नहीं किया, कॉम्पोजिट से परचेज करेंगे तो आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो आपसे ले ही नहीं रहा है. ठीक है, तो 1 जून को ऑलरेडी इसके बुक्स में 1,60,000 का आईटीसी था. ठीक है, अभी करंट मंथ में क्या बोला है, ये कॉमन क्रेडिट में आएगा,
राइट दिस इज ब्लॉक क्रेडिट ठीक है। ये अलाउ कब होता है आप लोग जब पढ़ेंगे आप लोग को समझ में आएगा। अगर मैं केटरिंग सर्विस किसी से ले रहा हूँ फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ केटरिंग सर्विस तो उसमें इनपुट टैक्स रेट मिलेगा राइट। या मैं कोई कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई का उसको पार्ट बना के दे रहा हूँ तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है नो क्रेडिट इज अवेलेबल अगेन इट्स ब्लॉक क्रेडिट। तो आप क्या कर सकते थे जैसे हिसाब से देखेंगे 1, 2, 3, 4 का टोटल कितना हो रहा है 40,000, 10,000, 50,000 और 20,000। 2 लाख का एग्जेम्प्टेड सप्लाई हुआ उसका इनपुट टैक्स 20,000 है। 40, 10, 50, 20, 70 और 30। तो वी कैन डू इट लाइक दिस टोटल इनपुट टैक्स 1 लाख T1 इज नॉन बिजनेस पर्पस कुछ है नहीं एग्जेम्प्टेड सप्लाई का है 20,000 ब्लॉक क्रेडिट का है 10 और 30, 40 तो हमारा आ गया कॉमन क्रेडिट 40,000। तो ये पार्ट हम लोग दिखा सकते हैं अलग से अब इस कॉमन में D1 D2 निकालना है को टैक्सेबल सप्लाई का होता तो उसको लेस कर देते तो अपने को कॉमन मिल जाता बट अपने को वैसा कुछ है नहीं यहां पे। इज दैट फाइन ये टी है टी से टी वन टी टू टी थ्री माइनस क्या टी फोर है नहीं तो यही मेरा सी वन हो जाएगा अभी हम लोगों को निकालना है डी वन so that is 40,000 into 2 by 62 lakh kindly do it
1290। अच्छा, नॉन बिजनेस पर्पस कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, तो सी टू इज सी वन माइनस डी वन माइनस डी टू, 40 माइनस 1290। ये वाला पार्ट चालीस हजार माइनस 1290, थर्टी एट 710। ठीक है, यही वाला ECRL है और यही वाला कॉमन क्रेडिट, बिकॉज टैक्सेबल एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई कुछ भी नहीं है। अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो कॉमन क्रेडिट ECRL से अपने माइनस करते हैं T4, नाउ वी कैन इजीली शो द आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन। सबसे पहले निकालना है हम लोगों को आउटपुट टैक्स 60 लाख इनटू 18%, सिक्सटी लाख का 18% दैट इज 10 लाख NT लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस आपका ऑलरेडी है 1 लाख 60, एड C1 लेस D1 इट इज 1,98,710, सो दिस इज नेट GST पेएबल। ठीक है, तो 10 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में ये।
Is that fine? I guess things are very clear now. ना ये हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में किया है, बट अभी हम लोग और डिटेल में करेगा. एक्सक्यूज मी. जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये. जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट केरला हु पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम. मैं आई एम नॉट अ कॉम्पोजिट डीलर. ठीक है, मेरा परचेजेस हुआ है, 5 लाख का परचेजेस मैंने किया है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली. ठीक है, राइट. तो ये जो मैंने इंटर स्टेट हो गया मेरा, ये तो इस पे मेरा आईजीएसटी है. मैंने ये मेरा इंट्रा हो गया, इस पे मेरा सी जी एस टी लगेगा और एस जी एस टी लगेगा. सेल में ये मेरा आई जी एस टी लगेगा और ये मेरा सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा. क्लियर है? इंटरेस्ट पेनल्टी का क्रेडिट नहीं मिलता है, राइट. तो इस वाले सेल पे जो सी जी एस टी एस जी एस टी 9-9, तो यहां पे 8 लाख का 9%. सॉरी, गलत बोल रहा हूँ मैं. इनपुट का कैलकुलेट, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया. ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये बैलेंसेस हैं, जैसे हमने अभी जो सम किया था उसमें करंट मंथ का परचेज का फिगर ऐड होगा, तो ऑलरेडी 50, 30 और 1 लाख है. 2.5 लाख का जो परचेज किया उसमें सी जी एस टी एस जी एस टी लग रहा है, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू कैलकुलेट इनपुट टैक्स क्रेडिट. दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मंथ नहीं बोला है, ठीक है, फॉर एनी टैक्स पेड एनी मंथ. कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एस जी एस टी सी जी एस टी आई जी एस टी ओपनिंग बैलेंस 30,000, 50,000
और 1 लाख। एड इंटर स्टेट परचेज, तो इंटर स्टेट परचेज कितने का हुआ है? पांच लाख का, इसका सीधा 18%, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 90,000। ऐड इंट्रा स्टेट परचेज 2.5 लाख का 9%, तो 22,500 यहाँ ऐड होगा, 22,500 यहाँ ऐड होगा, तो मेरा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आ रहा है? 52,500, 72,500, 1,90,000, ठीक है। टोटल ITC अवेलेबल, आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। आप सभी को समझ में आ रहा है? अभी नोट टू, आउटपुट टैक्स SGST, CGST, IGST, आउटपुट टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल, दस लाख का माल बाहर भेजा है, बेचा है, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट कितने का माल बेचा? 8 लाख रुपए का, त्रिवेंद्रम में ही बेच दिया है। राइट,
Let us try to understand. Let me see whether that introduction chapter is there or not out here. Yes. First, IGST credit should be utilized towards IGST payment. Right? आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आईजीएसटी पेमेंट से होगा. इज दैट फाइन? ठीक है. तो सर हमारा आउटपुट है 180, इनपुट 190 है. तो 180 तक यूटिलाइज हो गया तो नील आएगा. बाकी का जो बचा 10,000, दैट शुड बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन. आप सी जी एस टी से भी ले सकते हैं, एस जी एस टी से भी ले सकते हैं. अभी आईटीसी आईजीएसटी का हो गया. अभी आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, पहले आप सीजीएसटी के साथ यूज करेंगे और अगर आईजीएसटी पेबल है तो उसके साथ. राइट? सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी से नहीं मिलेगा और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी से नहीं मिलेगा. ठीक है. तो हम लोगों को क्या करना है, पहले इसका क्रेडिट यूज करेंगे. लेस
इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईजीएसटी का इनपुट है 190, तो 180 यहां से ले लिया, बाकी 10 आप किसी से भी ले सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सीजीएसटी का अपना ही है 72,500, तो आईजीएसटी वाला जो रिमेनिंग है वो आप यहां से ले लीजिए। राइट, तो आईजीएसटी हो गया। अब आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी से ही ले सकते हैं, और आईटीसी ऑफ एसजीएसटी आप इसी से ले सकते हैं। सर 72,500 है, बट फिगर आपका 72 ही आउटपुट, नेट जीएसटी पेयबल नील, नील 9,500। आईटीसी कैरिड फॉरवर्ड, खाली यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये वाला भी पूरा यूज हो गया, इसका खाली 500 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी से यूज होगा, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन बोल दिया है। अब इसका क्रेडिट फुल्ली यूज हो गया है, नाउ आईजीएसटी का आईजीएसटी से, एसजीएसटी का एसडीएसटी से। अब अगर आप ये 10,000 यहां से करते, अलाउड था एनी ऑर्डर, आईजीएसटी को आप यहां भी ले सकते हैं, बट क्या होता अगर आप इसको यहां ले लेते तो इसमें आप 62 सेट ऑफ कर पाते, तो फिर आपको 10,500 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता और यहां पे आपका आउटफ्लो ज्यादा आ जाता। तो ये थोड़ा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। यू कैन टेक दिस 10,000 आउट हियर ऑल्सो, तो उससे क्या होता आपका रिमेनिंग 62 बचता, तो आप 62 ही सेट ऑफ करते, और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है 72,500 माइनस 72 किया तब जाके 500 बचा। तो अगर आप इसको 10 को यहाँ लेते, अगर मैं इस 10 को यहाँ ले लेता तो ये मेरा 62 ही होता, तब मेरा यहाँ पे आप देखते ये 62 होता, तब ये 10 500 होता, ये यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे 19,900 पेमेंट करना पड़ जाता, बट अपने को ये सब नहीं करना है। इसको हम लोग नहीं लेंगे यहाँ। क्लियर, ओके।
ओके, लेट अस डू नंबर 19. रीड करिए. वी विल डू नंबर 19. One shopper is a registered supplier of both taxable and exempted goods. Fine enough. Now, electronic credit ledger में वही input tax और input service का credit दिखता है जो कि taxable से related है. अगर कोई भी या common हो, अगर कोई भी चीज non-business purpose का है या exclusively for exempted है या ब्लॉक क्रेडिट का है, तो वो सब चीज आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं दिखेगा. ठीक है, तो ये तो आउटपुट हो गया टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड. ये एग्जेम्प्टेड सेल्स हो गया, ये टैक्सेबल सेल्स हो गया. इसका जो भी होगा सीजीएसटी एसजीएसटी कर लेंगे और इसका तो निन लिल. अभी अपने इनपुट का बात करते, जो क्रेडिट होगा टैक्सेबल गुड्स का इनपुट टैक्स ईसीआरएल में मिल जाएगा आपको, ये नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, ये भी आपको ईसीआरएल में दिखेगा.
टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, ये भी आपको ईसीआरएल में दिखेगा। जीएसटी जो आप ऑडिट फीस का जो जीएसटी होता है, इसका आपको नहीं दिखेगा। अगर ये लीगल ऑब्लिगेशन है आप पे तब आपका दिखेगा। ये अलग से हमने 5,000 का गुड्स खरीदा है जो इस 45 लाख में नहीं है। दिस इज ऑल्सो ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट एग्जेम्प्टेड का तो मिलता ही नहीं है, तो आउटपुट टैक्स है ही नहीं। क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स है तो ये आपका ब्लॉक क्रेडिट में आएगा। मैंने बताया था ना, बेसिकली यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे होता है, हम लोग पढ़ेंगे। राइट नाउ ये दो चीज याद रखिएगा। इस पे हम लोग जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब ये यहां पे मैं सप्लायर को पे नहीं कर रहा हूं, आई एम पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मतलब रेसिपिएंट पेज जीएसटी ऑन इनपुट। ठीक है, तो ये वाला तो इसका तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड उसका है। इसका देखते हैं, विद इन राजस्थान हुआ है।
रिवर्स चार्ज एज्यूम करने बोला है। रिवर्स चार्ज बोला पाँच पाँच, मतलब ढाई ढाई पाँच और ऐसे पाँच, और नॉर्मल केस अगर होगा तो छः छः बारह लगेगा। ठीक है, तो बाकी सब केस में मेरा छः 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 छः, समझ गया, खाली उसमें ढाई ढाई लगेगा जो रिवर्स चार्ज स्कीम में है। सिक्स प्लस सिक्स ठीक है, इज दैट फाइन? तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टैक्सेबल गुड्स का इनपुट भी दिखाई देता है, राइट? कॉमन का भी दिखाई देगा, बट एक्सक्लूसिवली जो नॉन बिजनेस पर्पस ब्लॉक्ड और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का है उसका नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है ये जो मैंने गुड्स खरीदा है इसको मैं बेच रहा हूँ टैक्सेबल कैटेगरी में, तो इसका दिखाई देगा। ये तो रेंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये भी एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल गुड्स है। राइट तो सबसे पहले अपने को बनाना है इनपुट टैक्स क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर CGST SGST। ठीक है, तो 45 लाख का छः छः जोड़ जोड़ के बताओ, 45 लाख का छः छः परसेंट 2,70,000, 2,70,000, 3.5 लाख का छः छः 21,000, 21,000, 50,000 का छः छः 3,000, 3,000, 60,000 का छः छः 3,600, 3,600, इसका नहीं दिखेगा, इसका नहीं दिखेगा, इसका 1.5 लाख का ढाई ढाई, लेकिन याद रखना ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का है। जस्ट डू द टोटल, दो लाख सत्तर प्लस 21 प्लस 3,000 प्लस 3,600,
301350 301350. अभी इसमें हमारा हो गया ECRL less T4 एक्सक्लूसिवली जो टैक्सेबल पर्पस का है, तो ये 270 270 और 3750 3750 ये जो पार्ट है ये T-T1-T2-T3 इन तीनों का क्रेडिट दिखता नहीं है। अब इसमें से एक्सक्लूसिवली जो टैक्सेबल गुड से रिलेटेड उसको माइनस कर दो तो हमारा TC आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया TC। सत्ताईस हजार छह सौ। तो इसका आंसर हो गया, इसका भी हो गया। अब TC में जो D1 है, TC का अपने को D1 निकालना है। अच्छा, टोटल सप्लाई हुआ है सेल्स 60 लाख, उसमें से 10 लाख, तो जो अपन को D1 निकालना है D1 इज इक्वल्स टू 27,600 × 10/60 दैट इज 4,600। ठीक है, सॉरी उसको C1 बोलते हैं अपने, वो कैपिटल गुड्स का मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक, जस्ट होल्ड ऑन। ये C1 है, ठीक है, अब हमारा C2 C1-D1-D2 27,600 - 4,600 दैट इज 23,000। यहाँ पर भी 27,600 - 4,600 23,000। इज दैट फाइन? Now for some time you won't be able to see me, right? So this is related to apportionment of
कॉमन क्रेडिट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई. दिस इज अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई. प्लस 270 2 70 3 7 5 0 3 7 5 0 ITC available. This is T4. So C2 plus T4 will give me total ITC available. ₹23 plus 2 lakh 70 plus 3 7 5 0. So 296 750 296 750. Is that fine? ठीक है, अभी हम लोगों को करना है आउटपुट टैक्स CGST SGST. इंट्रास्टेट सेल 50 लाख का 6%, 3 लाख 3 लाख लेस ITC 296 750 296 750. 3250 3250 नेट GST पेबल. नाउ इसमें आपका रिवर्स चार्ज वाला भी है, तो रिवर्स चार्ज वाले का खासियत क्या है, आप पे करेंगे साथ में आप क्रेडिट लेंगे, कैंसल ऑफ नहीं होगा. तो इसके साथ जीएसटी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज आपको ऐड करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टैक्स तो आप पे करोगे तब ना आपको क्रेडिट मिलेगा. तो क्रेडिट में तो आपने ले लिया उसको, बट पेमेंट में कहां लिया, तो पेमेंट में ऐड होगा. तो एक तो 1.5 लाख का था 2.5%, और एक था GST पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड गुड्स का था,
बोल के उसका आईटीसी में नहीं लिया, बट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा उसका, सर्विस पे जीएसटी 1250, 1250। टोटल जीएसटी पेबल 8250, 8250। सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूँ, ए ने बी को एक सर्विस दिया है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो मैं तुमको जीएसटी दूंगा, तुम गवर्नमेंट को पे करोगे एंड आई विल क्लेम क्रेडिट, ठीक है। यही चीज मैंने तुमको सर्विस दिया है, अब वो रिवर्स चार्ज है, तो इसका मतलब जीएसटी मेरे को देना है और इसका क्रेडिट भी मैं लूंगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो क्रेडिट भी तो मैंने ले लिया बट पेमेंट में भी तो लेना पड़ेगा। दो केस है, केस वन केस टू। केस वन में मैंने तुमको जीएसटी दे दिया कंसिडरेशन के साथ, जीएसटी पेड टू ए, ए पेड टू गवर्नमेंट, बी विल क्लेम क्रेडिट। अभी मैंने तुमको सर्विस दिया है लेकिन वो रिवर्स चार्ज वाला है, तो मेरे को ही जीएसटी देना है, तो मेरा आउटपुट में तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो वही किया है। इसका इनपुट नहीं मिला क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड है, बट आउटपुट तो मेरे को इसका देना ही पड़ेगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इज दैट फाइन? ओके, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू फ्यू मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड मूव अहेड विद सेक्शन 18 एंड 19। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।